आपको इमरजेंसी में ना यहाँ पे बहुत पैसा चाहिए, 400 से 500 के बीच आपका खर्चा होगा। 2500 यूरो अगर आप एक महीने में कमाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का आया 70 यूरो। यहाँ पे मैं आपको अपने लास्ट 3 मंथ के एक्सपेंस बताने वाला हूँ कि मेरे लास्ट 3 मंथ में कितना खर्चा हुआ है। तो हाँ जी भैया, टाइटल आपने देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका पैकेज 35,000 से लेके 40,000 के बीच में है तो आपकी इनकम कितनी होगी आफ्टर टैक्सेस और आपके एक्सपेंसेस क्या क्या होने वाले हैं। और यहाँ पे मैं कोई हवा में बात नहीं करूंगा, सब कुछ आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। मैं अपना आइडिया लेके बताऊंगा, ठीक है, उसको आप अपने से कंपेयर कर सकते हो। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग बाहर आने का सोच रहे हैं उनको दिक्कत होती होगी कि भाई मैं पैसा कहाँ से लाएंगे, तो आपके लिए मैं एक सोल्यूशन लेकर आया हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, वहां जाकर आप अपनी लोन की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। सारा काम ये करेंगे, सारा प्रोसेस वो करेंगे अगर आप एलिजिबल हो गए तो, ठीक है, कोई कमीशन नहीं है इनका, कोई कुछ भी नहीं है। बाकी आप जाके लिंक चेक करो और जाके देख सकते हो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, मिलते हैं आप। तो ये बात मैं करूंगा उन लोगों के लिए जो कि आफ्टर स्टूडेंट वीजा वर्क वीजा पे आते हैं तुरंत, ठीक है, उनकी सैलरी होती है कुछ स्टार्टिंग सैलरी जो यहाँ पे बेसिकली होती है आयरलैंड में, वो होती है 28,000 से स्टार्ट। अगर आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, लाइक आईटी को छोड़ देते हैं यहाँ पे, मेडिकल को छोड़ देते हैं और जो बड़ी बड़ी चीजें फाइनेंस वगैरह उनको छोड़ देते हैं, तो मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, उनकी बात करूंगा यहाँ पे क्योंकि मैं खुद मार्केटिंग का बंदा हूँ। तो अगर आपकी सैलरी 35 से 40 के बीच में, तो आप कैसे यहाँ पे अपना एक्सपेंस पूरा कर सकते हैं और वो सब बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम और फिर टैक्सेस। अगर आपकी सैलरी 40,000 यूरो है, बिल्कुल एग्जैक्ट 40,000 यूरो, तो आपका जो टैक्सेस जो कटने वाले हैं यहाँ पे, आप सीधा 140x20 कर दो। अगर आप अलग अलग वेबसाइट पे जाएंगे, कुछ इनके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि अगर आप सिंगल हो, डबल हो या फिर कुछ भी आपका है, मतलब कुछ कंडीशन होती है, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डाल दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप चेक कर सकते हो कि आपकी इनहैंड सैलरी कितनी आएगी। तो अप्रोक्स जो आपकी इनहैंड सैलरी आएगी वो आएगी 2600 से लेके आपकी 2700 के बीच में। तो मैं एक राउंड फिगर लगा लेता हूँ, आपकी सैलरी आती है अगर 2500, ठीक है, मतलब 2500 यूरो अगर आप एक महीने में कमाते हैं तो आपका एक्सपेंस क्या होने वाला है। तो भैया, तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है यहाँ पे हाउसेस क्राइसिस चल रही है, ठीक है, तो आपको मकान मिलना एक बहुत ही बड़ा टास्क है, मिल जाता है, डरने वाली बात नहीं है। तो काफी लोग मुझसे इंडिया से रह के पूछते हैं कि भैया हम इंडिया में हम मकान कैसे ढूंढे, तो भैया फेसबुक पे ग्रुप है, वहां जाओ, वहां पे लोग अपडेट करते रहते हैं, ठीक है, वो अलग वीडियो में बात कर लेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले घर चाहिए, तो जहां मैं रहता हूँ यहाँ पे मैं अपना सिंगल रूम में रहता हूँ, तो उसका जो मेरे को एक्सपेंस पड़ता है वो पड़ता है 1000 यूरो। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप, ठीक है, ये डबलिन से दूर है, डबलिन से काफी बाहर है, मतलब एस टाउन इलाका है, तो अराउंड मुझे यहाँ से सिटी लगता है 20 मिनट के अराउंड, ठीक है। तो मेरा 1000 यूरो विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट एनी गैस चार्ज, ठीक है, ये 1000 यूरो मेरे को देने पड़ते हैं। मैं एक ऐप यूज करता हूँ जिसका नाम है मनी मैनेजर, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। उसमें आपको, मतलब मैं उसमें क्या करता हूँ, मैं अपनी हर एक एंट्री करता हुआ चलता हूँ। मैंने आज कुछ खर्चा करा, सपोज मैंने ये कोल्ड ड्रिंक लिया आज, तो मैं उसको वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। मैंने वहाँ पे कैटेगरी डिजाइन कर रखी है, आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको अपने लास्ट 3 मंथ के एक्सपेंस बताने वाला हूँ कि मेरे लास्ट 3 मंथ में कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी डिफाइन कर रखी है, यहाँ पे कुछ कैटेगरी ब्लर है जो मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है, मैं यहाँ पे वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, पर्सनल पूछनी है पूछ लेना। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊँ हाउस होल्ड, ये मेरे मई का आप देख सकते हो स्क्रीन पे आ रहा होगा, मेरे मई में जो अराउंड मेरे जो ग्रोसरी में बिल गया, इसमें ग्रोसरी खाना पीना सब कुछ इंक्लूड है, मतलब इसमें बाहर का खाना इंक्लूड नहीं है, इसमें खाली ग्रोसरी इंक्लूड है मेरी, ठीक है। तो इसमें 123 यूरो गए हैं, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि भाई 123 तो बहुत ज्यादा है एक सिंगल बंदे के लिए, मे भी हो सकते हैं, बट कभी कभार क्या होता है जब आप इंडियन ग्रोसरी लेने जाते हो ना, तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है वो, तो जब बल्क में सामान आता है ना तो महंगा पड़ता है। तो हमने उस टाइम ये घर चेंज किया था, हम शिफ्ट हुए थे, तो इसलिए हमें थोड़ा एक्सपेंस पड़ा था। तो 123 मेरा हाउस होल्ड हुआ था। सोशल लाइफ में वो कवर करता हूँ कि अगर मैं क्लबिंग कर रहा हूँ, अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं किसी हाउस पार्टी में जा रहा हूँ, तो वहां मेरा कितना एक्सपेंस हुआ है, या मैं फिर बाहर कहीं घूमने का जा रहा हूँ, तो 116 मे बी मेरा बर्थडे था मई में, तो मैं इसलिए शायद वहां घूमने गया था, इसलिए मेरा ये खर्चा आया था। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, बट इसको 40 यूरो कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा 116 मेरा सोशल लाइफ। अदर में मेरा खर्चा आता है कि लाइक मेरी एक इंस्टॉलमेंट जाती है फोन की, शायद मैं उसको अदर्स में डालता हूँ, तो मेरी 86 यूरो की वो इंस्टॉलमेंट जाती है, और बाकी छोटे मोटे खर्चे हो गए वो मैं अदर में डाल देता हूँ। तो फूड मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, जो भी मैं बाहर से खाना खाता हूँ, लाइक मैं अगर किसी रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ या मैं डिलीवरी करके कोई फूड मंगा रहा हूँ, तो वो मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, जो कि है 95 यूरो। उसी में हेल्थ में मेरा शायद उस टाइम तबीयत खराब थी, शायद मे बी 55 यूरो।
अपेरल मेरा जो यहाँ पे है वो है कपड़ों का खर्चा, जो कि मैं हर महीने, मैंने अराउंड बजट बना रखा है 50 यूरो, बट मैं हर महीने नहीं लेता हूँ, तो एक साथ जब लेता हूँ तो मेरे को एक ध्यान रहता है, तो मैंने बजट बना रखा है इसका, ठीक है। मोबाइल, मोबाइल में यहाँ पे मोबाइल बिल वगैरह आता है जो कि मेरा 47 यूरो, जो कि मेरा इंटरनेट प्लस मोबाइल का बिल जो 47 यूरो, ठीक है। उसके नीचे जो ब्लर कर रखा है वो नहीं बता सकता मैं, ठीक है, क्या चीज़ है। ट्रांसपोर्टेशन जो कि मेरा लीप कार्ड वगैरह का खर्चा होता है या फिर मेरा टैक्सी वगैरह का, वो 40 यूरो हुआ था मई में। और सेल्फ डेवलपमेंट मतलब कि अगर मैंने बाल कटिंग करवाई या कुछ भी करवाई तो मैं उसको 10 यूरो उसमें कंसिडर करता हूँ। तो टोटल अगर आप मेरे मई का एक्सपेंस देखोगे वो है 661 यूरो। तो इसमें से अगर आप, मैं आपका पर्टिकुलर खर्चा बताऊँ, क्योंकि देखो मुझे आपका लाइफ स्टाइल नहीं पता कैसा है, ठीक है, सोशल लाइफ हटा दो तो आपके बचते हैं 450 अराउंड, तो मतलब 400 से 500 के बीच आपका खर्चा होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर मेरे अगले महीने की बात करूं मैं तो जून की, तो जून में आप देखोगे मेरा 1500 यूरो खर्चा हुआ है, ठीक है, सेम कैटेगरी है, बट यहाँ पे अदर में देखोगे 836, ये इसलिए हुआ क्योंकि शायद मैंने इंडिया पैसे भेजे थे, ठीक है, तो ये आप हटा दो 800 हटा, अगर माइनस कर देते हो 1500 में से तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा अराउंड आपका, राउंड फिगर ले लो 800 ही मान लो, क्योंकि 1600 मैं राउंड फिगर लगा रहा हूँ, तो 800, ठीक है। इंडिया ट्रांसफर मैंने अलग कर रखे 220, तो वो भी 200 हटा दो, तो मतलब 600 यूरो, तो मेरा 600 यूरो यहाँ पे खर्चा हो ही रहा है हर महीने। आप देखोगे लास्ट महीने देखोगे मई वो भी 600 था, इस महीने देखोगे वो भी 600 था। अब मैं बात करूँ अगर जुलाई की, तो जुलाई में देखोगे जुलाई में मेरा आ रहा है 905 यूरो, 905 यूरो, यहाँ पे अदर में फिर से 211 यूरो आ रहे हैं, मुझे नहीं पता मैंने क्या करा था अदर में, ठीक है, जो भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी 211 मेरा खर्चा हुआ था। अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो बसता है 700 राउंड फिगर। अपील, यहाँ पे मैंने कपड़े लिए थे 150 यूरो के, तो मैं बता रहा था ना मेरा 50 यूरो का मंथली बजट होता है कपड़ों का, मैंने मई में भी लिए थे, मैंने अब भी लिए, तो मैंने 170 यूरो के कपड़े लिए, तो इसको भी अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो 700 में से 150 गए, तो 550। तो भाई ये मेरा खर्चा है, ठीक है, यहाँ पे मेरी जो कैटेगरी है मैंने आपको दिखाई है, मैं किस तरीके से अपना पैसा ट्रैक करता हूँ, कैसे मतलब कि मैं अपना हिसाब रखता हूँ, तो मेरा जो महीने का पेंस है वो अराउंड मैं मानता हूँ कि 500 to 600 हो नहीं होना है, अगर मैं इंडिया के पैसे हटा दूं तो, ठीक है, वो देखो वो सेविंग ही है। तो अगर बंदा 2500 कमा रहा है, 2500 में से अगर वो 1000 यूरो घर का रेंट दे रहा है, 600 उसका खर्चा है, 1600 यूरो, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्लूड कर लो क्योंकि 2 महीने में एक बार आती है, वो शायद जुलाई वाले महीने में थी, मैं दिखाता हूँ आपको। तो अगर आप जुलाई वाले महीने में देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी का आया 70 यूरो, तो ज्यादा नहीं है, वो सब इंक्लूड होता है इस चीज में, तो 70 यूरो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का आया था। आपके बचते हैं 1600, मतलब आपने 1600 यूरो खर्च कर दिए, तो अभी आपके पास 1000 यूरो बचते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं मेरा एक AIB में, AIB जो नहीं पता यहाँ पे, मतलब तो काफी लोगों को नहीं पता होगा मेरे ख्याल से, जो भी स्टूडेंट आते हैं, तो AIB में क्या होता है, जब भी हम अकाउंट खुलवाते हैं, मुझे वो बाकी बैंकों का नहीं पता, बट AIB में जब हम अकाउंट खुलवाते हैं तो वो हमारा करंट अकाउंट होता है, मतलब कि मुझे नहीं पता क्या मतलब, तो करंट अकाउंट होता है, तो उससे क्या होता है, जब भी आप टैप करोगे कुछ भी करोगे तो आपका वहां से अकाउंट डिडक्ट होता रहेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैंने एक सेविंग अकाउंट AIB में सेपरेट खोल रखा है, जो कि आप अपनी ऐप के थ्रू ही खोल सकते हो, तो उसमें मेरी कुछ सिप कटती है, वो मैं कटवाता हूं एज अ सेविंग, क्योंकि देखो इंडिया में पैसा भेजता हूं कि जब इमरजेंसी होती है कुछ, मतलब कि मेरे को जरूरत है कुछ, मेरे को कोई पेमेंट करनी है, जब मैं करता हूं इंडिया पेमेंट ट्रांसफर। आपको अगर यही रहना है, आपका मतलब 3 साल तो आपको रहना ही रहना है, वो भाई विश्वास नहीं मानोगे, अभी मैं, मेरे को तबीयत, मेरा शोल्डर ब्रेक डाउन हो गया इसलिए मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, तो मतलब कि आपको इमरजेंसी में ना यहाँ पे बहुत पैसा चाहिए, 500 यूरो तो इमरजेंसी में यहाँ पे आपके कब चले जाएंगे, आपको घंटा भी बताने लगने वाला, ठीक है, तो इसलिए सेविंग यहाँ करो, ठीक है। जिसका लोन चल रहा है देखो वो बात अलग है, उसको भेजना ही पड़ेगा, ठीक, जितनी सेविंग हो यहाँ करो, मतलब एक सेविंग अकाउंट खोलो, हर महीने उसमें 200 या 100 यूरो डालो, तब जाके आपकी सेविंग होगी। मैं मानता हूँ कि 500 यूरो आप सेविंग अकाउंट यहाँ पे डाल रहे हो, 16 और 5 कितने हो गए, 21, ठीक है, 2100 यूरो, अब आपके पास बचते हैं 21, 4 और 5, 500 यूरो और बचते हैं। अब वो आपकी हेड है, आप वो उसको घर भेजना चाहते हो या आप उसको क्या करना चाहते हो, क्योंकि वो आपका फ्री पैसा है, आप कुछ भी कर सकते हो उसका। अगर मैं इस कंडीशन में हूँ या कोई भी मेरी जगह हो, ठीक है, वो अगर गाड़ी ले लेता है, तो गाड़ी का खर्चा भाई सीधे सीधा बता रहा हूँ मैं आपको, गाड़ी आप उठाओगे किस्तों में, अच्छी गाड़ी जो उठाओगे, मतलब 8 से 10 हज़ार के बीच में अच्छी गाड़ी आएगी, क्योंकि यहाँ पे रूल है कुछ, मैंने को इतना कंफर्म नहीं है, बट अगर कोई गाड़ी उठा रहे हो 13 साल से पुरानी है, तो आपको इंश्योरेंस मिलने में दिक्कत होती है, तो आपको मेक श्योर करना कि गाड़ी 2010 से ऊपर की हो, ठीक है, अच्छी गाड़ी उठाओगे वो 8 से 10 हज़ार की पड़ेगी। अगर आप गाड़ी ले रहे हो उसकी इंस्टॉलमेंट मान लो 150 यूरो हर महीने की, 150 यूरो उसका इंश्योरेंस मान लो, 300 तो यही हो गए, तो भाई 400 यूरो आप अपना खर्चा बढ़ा रहे हो फालतू का, ठीक है। अगर आपको डिलीवरी करनी है कुछ करना है, मेरा मानना यह है कि अगर मेरी सैलरी 3500 या 4000 है तो मैं गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूँ यहाँ पे, बट सैलरी अगर आपकी 2500 या 3000 के आसपास है तो गाड़ी लेना मेरी नजरों में तो भाई बेवकूफी है, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी एक लायबिलिटी खड़ी हो जाए बाहर आके, और मतलब कि ना वो पैसा कमा के दे रही, क्योंकि मैं ऑफिस जाता हूँ, घर के बाहर ट्रेन है, वहां से पकड़ लेता हूँ सीधी सीधी। तो भाई ये मेरे एक्सपेंस थे, आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेंगे कि कैसे आपकी इनकम होती है, ठीक है, ये मैंने एक राउंड फिगर बताया कि
35-40,000 अगर आपकी सैलरी है तो मैं अगली वीडियो लाऊंगा मैं कि हो सकता है कोई कम सैलरी वाली लाऊं 30,000 या 28,000 वाली सैलरी, तो फिर उनसे बात करेंगे कि वो कैसे अपना मैनेज करते हैं। मेरे पास है एक बंदा ऐसा जो कि शायद मान जाए वीडियो के लिए, और मैं फिर बताऊंगा कि वो कैसे यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि 30,000 सैलरी और 35,000 और 40,000 भाई कुछ नहीं होती यहाँ पे रियली, मतलब कि आप सर्वाइव करना अगर आपके पास लोन है तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई और ये सीरीज शायद मैं कंटिन्यूस चालू करने वाला हूँ, ताकि लोगों के पास जाके बात करूंगा कि आप कितना कमाते हो, बताओ आपके एक्सपेंसेस क्या क्या है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करो, फॉलो कर लिया करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वही पानी पी लो, कोल्ड सॉरी कोल्ड ड्रिंक पी लो। Make it rain, make it pour.